वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरु जी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर और आप सभी के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आप देखने जाने वाले हैं कि BBS बार बेंडिंग शेड्यूल एक बीम का कैसे एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक्सेल में सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपका काम रहेगा ड्राइंग शीट को देखना और उसका डाटा डालना, उससे ज्यादा आपका काम नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस शीट को बनाना पड़ेगा। उस शीट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नॉलेज चाहिए। सबसे पहला नॉलेज एक एक्सेल का। दूसरा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि बार बेंडिंग सॉल्व मैन्युअली करना आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि बार बेंडिंग मैन्युअली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो नीचे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। आगे बढ़ते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल पहले देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। आपने इसको पूरा सॉल्यूशन कुछ दिनों पहले हमारे चैनल में देखा होगा। इस बीम का पूरा सॉल्यूशन इंजीनियर आकाश भोरे सर ने आपके लिए पूरा डिटेल में समझाया है। नीचे लिंक में देख चेक कीजिए, पहला लिंक उन्हीं का है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसमें आइए। अब जानते हैं इस फ्रेम में क्या क्या दिया है। सबसे पहले चलते हैं फ्रेम में की तरफ। एक सपोर्ट दिया है, कॉलम वन जिसको नाम दे देते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सपोर्ट वन। बीच में एक और कॉलम दिया है जिसको मैं बोलता हूं सपोर्ट टू। किनारे पे एक और दिया है, यहां पर बीम है तो इसको भी मैंने नाम दे दिया सपोर्ट थ्री। इस तरह से अपन लोग एक्सेल में सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं यहाँ सपोर्ट वन के जगह कॉलम के जगह बीम हो तभी भी ये सॉल्व हो सके। यहाँ पर सपोर्ट थ्री के जगह कहीं बीम के जगह कॉलम हो तो भी वो एक्सेल सॉल्व कर सके। इसके कारण हमने वहां पर मेंशन नहीं किया कि सपोर्ट वन क्या है। सपोर्ट वन बीम होगा तो बीम मेंशन लिखिए, कॉलम होगा तो कॉलम मेंशन कीजिए। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या रेनफोर्समेंट दिया है इसमें। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है 512, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या है, वहां पर 5 बार प्रेजेंट है, 2 बार आपकी क्या हो गई मेन बार, और बाकी जितनी 3 बार है वो क्या हो गई आपकी टॉप एक्स्ट्रा बार हो गई। यहां पर 5 बार है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 2 मेन बार है और 3 टॉप एक्स्ट्रा है। तो यहां पर आपने देखा कि 2 आपके मेन बार है, 3 टॉप एक्स्ट्रा है। ये 3+2 उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये 3+2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 बार आपकी टॉप में है, 2 आपकी उसी के नीचे। यहाँ पर स्पेसर बार बीच में प्रोवाइड किया और नीचे उसके 2 बार प्रोवाइड किया, ये 3+2 ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 4 बार 12 mm की, इसका मतलब 2 बार आपकी क्या हो गई मेन बार जो कंटिन्यू ये चल रही है, साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा। यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा कितनी हो गई, 2, मतलब सपोर्ट 2 में कितनी टॉप एक्स्ट्रा है, 2 हो गई। आगे चलते हैं, यहां पर देखें, यहां पर कितना टॉप एक्स्ट्रा है इस पॉइंट में कितना टॉप एक्स्ट्रा है, 2 आपकी मेन बार हो गई, 2 टॉप एक्स्ट्रा हो गए। इसी तरह से आप बॉटम का देखें, बॉटम में क्या दिया है, कोई भी बार एक्स्ट्रा नहीं आई, 2 बार है 12 mm की, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जा रही है, तो आपको बॉटम मेन बार कितनी है, 2 आपके दोनों के लिए। तो इसमें कोई भी बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड ही नहीं गई, कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर कोई बार प्रोवाइड नहीं गई है। अब इसके बाद अपन लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है, मतलब सबसे पहले टॉप मेन बार, उसके बाद बॉटम मेन बार, उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड में, जो कि मैं क्या बोल रहा हूँ सपोर्ट 1 भी बोल सकते हो, टॉप एक्स्ट्रा एट सेंटर इसको सपोर्ट 2 नाम दे दिए, टॉप एक्स्ट्रा एट राइट साइड इसको सपोर्ट 3 नाम दे दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे और नंबर ऑफ स्टिरप्स निकालेंगे। यहाँ पर मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होगा। आपको ये पूरा सीखना है तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में जाइए, नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स मिलेगा। उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल समझाया गया है। उसके बाद आपको बार बेंडिंग शेड्यूल एडवांस में भी पूरा देखेंगे कि ये जो एक्सेल शीट में दिखा रहा हूँ इसके बाद वो कैसे आप बना सकते हैं। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, 1 सेकंड भी मत गवाओ, कॉल करो 9111001234 में, फिर से बोल रहा हूँ 9111001234। नीचे पे नंबर डिस्प्ले भी हो जाएगा, आप उसमें कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखेगा। अब आगे चलते हैं कि ये बीम में आपको क्या क्या और दिया है। सबसे पहले कॉलम की विड्थ दी है 400, बीच वाले कॉलम का 400 और सबसे किनारे पे आपका बीम है। तो बीम का कितना दिया हुआ, बीम के सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। बीम का सेक्शन आपको 250 दिया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये बीम से हमें क्या क्या डाटा मिल गया था, टॉप मेन बार आपकी 2 है, टॉप मेन बार बॉटम की 2 है, नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा एट
लेफ्ट सपोर्ट जो कि सपोर्ट वन है वहां पर कितने हैं? तीन है। मिडिल में कितना है आपका? दो। एंटर राइट साइड के सपोर्ट थ्री में कितने हैं? दो। और स्टिरअप नंबर निकाल सकते हैं, देखेंगे ये कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं एक्सेल में और देखते हैं कि ये पूरा कैलकुलेशन जो कि आपको करने में 10 मिनट से 20 मिनट लगेगा वो कैसे एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में, सिर्फ आपको डाटा समझना है और इनपुट करना है। ये है हमारी एक्सेल शीट। इस एक एक्सेल शीट में हम बहुत सारे अलग अलग बीम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको क्या डालना है? सबसे पहले दिख रहा है सपोर्ट वन। अब सपोर्ट वन में लिखेंगे अपन लोग, पहला सपोर्ट क्या था? कॉलम, तो वहां पर कॉलम लिखें। अब नीचे आए मेंबर, आपका मेंबर हरदम क्या रहेगा? बीम। आपका पहला सपोर्ट कहीं कॉलम है, बीच में बीम है तो नीचे बीम लिख देंगे। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, बीच में क्या था? सपोर्ट आपका कॉलम था, वापस कॉलम लिख दीजिए सपोर्ट टू में। फिर उसके आगे चलते हैं मेंबर, मेंबर हरदम बीम रहता है, फिर से बीम लिख देंगे। फिर उसके बाद सपोर्ट थ्री, सपोर्ट थ्री क्या था आपका? ड्राइंग में देखते हैं, ड्राइंग में देखिए आपने क्या था सपोर्ट, तो आप यहाँ पर बीम लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना है कॉलम के आगे कि कॉलम का विथ कितना है, विथ कितना दिया गया है। ड्राइंग में देखिए आपके 400 दिखा हुआ है, 400 लिख देंगे। अब इसके बाद बीम की लेंथ लिखनी है आपको, सेंटर टू सेंटर जो दी गई है वही डायरेक्ट लिखते जाइए। बीम की लेंथ कितनी है देखेंगे, बीम की लेंथ हो गई। अब उसके बाद बीच वाले कॉलम का विथ कितना था, सेक्शन उसका कितना चौड़ा था वो मेंशन करना है, नीचे सपोर्ट टू में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बीम का सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट बीम की लेंथ मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट को मेंशन करेंगे कितना उसकी विड्थ है। उसके बाद नीचे क्या दिया है? क्लियर कवर। क्लियर कवर किसकी बात हो रही है कि पूरे बीम का क्लियर कवर क्या है। अब जैसे क्लियर कवर देखिए, क्लियर कवर कितना था? 25 mm, वहां पर 25 mm लिख दिए। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, मतलब याली बीम, एक बीम आपके ड्राइंग में कितनी बार प्रेजेंट है। जैसे आपकी ड्राइंग में नंबर ऑफ बीम कितने थे? 4, तो यहाँ पर आपने 4 लिख दिया। स्टिरअप के लिए, स्टिरअप का आपको क्या प्रोवाइड करना है? सबसे पहले डायमीटर, जैसे 8 mm पे क्लिक किए। दूसरा स्टिरअप का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है, बस आपको वो डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए आप सिर्फ 8 mm टाइप किए हैं, यहाँ पर दिख रहा है जो टाइप वहाँ पर हुआ है, सिर्फ 8 mm में टाइप कर रहा हूँ, हैश ऑटोमेटिक आ रहा है। ये कमांड कैसे देना है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आप बार बेंडिंग शेड्यूल एडवांस में सीखते हैं। साथ ही साथ अब ये नीचे बीम का सेक्शन मेंशन करना है कि उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, वो कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। ये क्या हो गए आपके बीम के पूरे क्रॉस सेक्शन और कॉलम के क्रॉस सेक्शन अपन लोग ने बता दिया, उसकी लेंथ बता दी। अब उसमें रेनफोर्समेंट जितने प्रेजेंट है वो बताते हैं। रेनफोर्समेंट के लिए वापस चलते हैं ड्राइंग शीट में पहले। अब ड्राइंग शीट में आप देख सकते हैं कि टॉप मेन बार कितनी दी है, बॉटम मेन बार कितनी दी हुई है, ये अपन लोग ने निकाल लिया, बस अब उसको एंट्री करना है। वापस आ जाते हैं एक्सेल में। जैसे ही एक्सेल में आए आपको टॉप मेन बार स्पेसिफाई करना है, कितनी थी आपकी टॉप मेन बार, कितनी थी? 2, 12 mm की, तो 2 लिखिए, वो अपने आप नंबर लिख देगा। 12 mm लिखिए, वो अपने आप हैश लिख देगा, आपको उस तरह से कुछ नहीं करना। टॉप एक्स्ट्रा बार सपोर्ट 1 जो कि आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड थी उसको मेंशन करेंगे, कितनी थी वहां पर? 3 बार थी 12 mm की। फिर उसके बाद सपोर्ट 2 में कितनी दी गई थी? 2 बार 12 mm की, उसको लिखेंगे। उसके बाद सपोर्ट 3 जो कि आपके एक्सट्रीम राइट साइड में था उसमें कितनी बार थी? 2 बार थी 12 mm की। अब इसके बाद आता है बॉटम मेन बार जो आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, मतलब आपके पूरे बीम में प्रेजेंट था, वो कितनी है? 2 बार है 12 mm की। अब इसमें कोई बॉटम एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया था क्या? चलते हैं ड्राइंग में। आपने जैसे ड्राइंग में देखा बॉटम मेन बार बस प्रेजेंट है, यहां पर कोई भी बॉटम एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं है, पहले में भी दूसरे में भी, इसके कारण वहां पर बॉटम एक्स्ट्रा बार में क्या हो जाएगा? 0 डल जाएगा। वापिस चलते हैं ड्राइंग में। अब आप बॉटम एक्स्ट्रा बार में कितना डाल देंगे? 0, क्योंकि कोई है ही नहीं। सिमिलरली बॉटम एक्स्ट्रा 2 बार में 0 पुट कर देंगे, जहां पर कोई वैल्यू नहीं है वहां पर हरदम 0 पुट कर देना है।
अब आपको क्या करना है, टॉप एक्स्ट्रा बार कितनी लेंथ की है उसको मेंशन करना है। टॉप एक्स्ट्रा बार के उसमें आ जाएं सपोर्ट वन में, उसकी लेंथ मेंशन कीजिए। क्या करें, ड्राइंग में जाइए सबसे पहले। अब जैसे आप ड्राइंग में देख सकते हैं यहां पर कितना दिया है, टॉप एक्स्ट्रा 985। आपको कुछ नहीं करना है, टॉप एक्स्ट्रा में 985 लिखना है। मिडिल में देखते हैं, मिडिल टॉप एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी, 985 प्लस 890। यहां पर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आप इक्वल टू प्रेस कीजिए, 985 प्लस 890। इस हिसाब से 985 प्लस 890 लिखिए, एंटर कर दीजिए तो वो खुद कैलकुलेशन कर देगा। अब इसके बाद आप क्या आ गए, टॉप एक्स्ट्रा सपोर्ट 3 पे। सपोर्ट 3 पे टॉप एक्स्ट्रा कितनी है देख लेते हैं, 890। सिंपल, आपको 890 यहां पर मेंशन करना है, बस। अब यहां पर आपका पूरा काम खत्म हो गया, इसको छोड़ के आपको कुछ नहीं करना। मतलब आपका काम क्या हुआ, सिर्फ जो गिवन डाटा था उसको लिखें और कुछ नहीं। ये आपको फाइनल शीट डायरेक्ट बना के दे दिया गया। जैसे इसमें बीम का नाम अपने आप आ गया, टॉप मेन बार, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, मतलब B1 कितनी बार आया है वो डायरेक्ट आ गया, उसका बार साइज कितना है वो डायरेक्ट आ गया, कितनी बार आपकी टॉप मेन बार है मतलब नंबर ऑफ बार कितनी है वो डायरेक्ट आ गया, उसका कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ, यूनिट वेट, टोटल वेट कितना होगा ये डायरेक्ट आ गया। आपको ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है कि 16 mm है, वो खुद अपने हिसाब से डायरेक्ट कैलकुलेट कर देगा कि आपकी 12 mm की बार थी तो डायरेक्ट 12 mm में आ जाएगा। इसी तरह हर रिइंफोर्समेंट का वो निकाल के दे दिया आपको, टॉप मेन बार, टॉप एक्स्ट्रा 1, टॉप एक्स्ट्रा 2 और टॉप एक्स्ट्रा 3, उसके बाद बॉटम मेन बार, बॉटम एक्स्ट्रा 1। अब बॉटम एक्स्ट्रा 1 नहीं है तो उसका आंसर क्या दे देगा, वो डायरेक्ट 0 दे दिया पूरा। इस तरह से आपको सॉल्व करने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ डाटा इनपुट करना है, आंसर खुद से आएगा। ये एक्सेल को बनाना सीखना है तो आपको क्या करना है, इस एक्सेल को बनाना सीखना है तो आप कहाँ सीख सकते हैं, हमारी वेबसाइट से, हमारी एप्लीकेशन से। जाइए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, उसमें आपको ये पूरा समझाया गया है कि कैसे बना सकते हैं। आपको और भी डाउट्स होगा, कॉल करो 9111001234 में। आप लोगों के लिए और भी इसी तरह के कंटेंट में लाते रहूँगा और बताऊँगा बार बेंडिंग शेड्यूल एक्सेल में कैसे एडवांस लेवल पे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसको जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ।